पेरू के पिस्को में एक रिहायशी इलाके में भयंकर आग लगने से 32 घर जलकर राख हो गए, जिससे 1300 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के मुताबिक आग अचानक लगी और देखते ही देखते इसने 32 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में पानी की कमी की वजह से लोग कुछ भी नहीं कर पाए। बाद में बड़ी मुश्किल से दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन कम से कम 11 से लेकर 1300 लोग तक इस आग से प्रभावित हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 32 घर इस आग में जलकर खाक हो गए।